संगीत रागी जी, सीधे आपका रुख करते हुए ये बात तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट तो समाजवादी पार्टी को भी मिले थे और इसी प्रदेश की जनता ने दिए थे, जबकि उससे 90 लाख ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन बेरोजगारी पर बार बार जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए तीन बातें मैं बहुत साफ करना चाहूंगा। पहली बात, अन्न योजना जो है वो सरकार ने बढ़ाया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, चुनाव विश्लेषक है राजनीतिक, देखिए ये मुफ्त की योजना जो है वो एक सर्टेन कंडीशन में आपदा से निपटने के दरमियान किया गया था। इसे आप पूरे 5 साल और 7 साल और 10 साल तक के लिए करना कोई बड़ी बुद्धिमानी की योजना नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बेरोजगारी और ये महंगाई, ये तो बेरोजगारी महंगाई ये एक शाश्वत चीजें हैं जो हमेशा हमेशा सापेक्षिक स्थिति में इसका आकलन किया जाता है। यदि आप यदि चुनावी आप योजना को देखें तो पहले चुनाव से लेकर के जितनी भी चुनाव रहे हैं इन सब में ये सारी मुद्दे उठते रहे हैं और सारी सरकारों को चाहिए भी कि इन पर ध्यान दें। लेकिन आप जब भी सत्ता में होते हैं विपक्ष बेरोजगारी और ये मुद्दा हमेशा उठाते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डबल डिजिट से कम में भी उस समय महंगाई बहुत कम थी, तब भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा लेकर के जाती थी। तीसरी बात, एक मैं पेंशन योजना पर जिक्र कर दूं, 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। यदि कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगता था कि पुरानी पेंशन योजना अच्छी है तो पुरानी पेंशन योजना में वो लौट आती। अब चूंकि कांग्रेस के पास राज्य नहीं रह गए हैं, आप एक दो राज्य के अंदर आप सीधे आप योजनाओं का लाभ देते हैं और सरकार से केंद्र सरकार से आप पैकेज की मांग करते हैं। मैं कल ही देख रहा था कि मान साहब जो है वो आकर के केंद्र में सरकार से मांग, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप हमको 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए। अब उनसे कोई पूछना चाहिए कि आप मुफ्त में बिजली, मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था, मुफ्त में राशन, ये सारी योजनाएं आप लागू करना चाहते हैं तो आप अपने बूते पर लाभ कीजिए। यदि ऐसे ही सरकार पैकेज जो है वो सारे राज्यों को देने की शुरुआत कर दे तो इस देश का आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आप एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप मुफ्तखोरी की आदत लगाना चाहते हैं। ये बहुत गलत दिशा में, ये पूरी अर्थव्यवस्था को आपको तार तार कर देगा। और एक कहा जाता है रेवोल्यूशन जब आदमी का एक उससे ज्यादा आ जाता है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो वह अपने आप को खाना शुरू कर देता है। आपका हाँ। पूरा अर्थतंत्र जो है वो अंदर नहीं, से नहीं, ये बात जो आपने कही है कि मुफ्तखोरी की आदत लगाना चाहते हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये संगीत रागी जी किसके लिए बोल रहे हैं आप? मुफ्तखोरी की आदत कौन लगा रहा है? मैं जब कोई भी प्रवक्ता इस ढंग की बात करता है कि आप 5 साल के लिए राशन फ्री कर दीजिए तो कल जाकर के सिर्फ यही सरकार नहीं बाकी सरकारों पर भी दबाव होगा। जो लोग होंगे उन सारे लोग डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमको, यही मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, मुफ्त राशन योजना देने के लिए वो आगे आई थी क्या? मनमोहन सिंह की सरकार से संसद में तो इस सवाल पूछा गया था मुफ्त राशन देने के लिए, तो तब कांग्रेस की सरकार आई नहीं थी। मुफ्त चोरी की मामला, मुफ्त में सर धैर्य रखिए सर, जब मैं कहते हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, हम मुफ्त में ये चीज देंगे, तब आप जानबूझकर के उन टैक्स पेयर पर तो ये बातें फिर तो मौजूदा सरकार के ऊपर भी उतनी ही लागू होती हैं। आप तमाम दूसरे उदाहरण दे रहे हैं लेकिन मौजूदा सरकार ने फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने अगले 3 महीने के लिए क्यों बढ़ाया? अब तो कोरोना, अब जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है, फिर अगर बढ़ाया जाएगा तो मुफ्तखोरी को लेकर